हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लोअर की साइड पॉकेट में चैन कैसे लगाई जाती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास कुटका है, इस पर हमें पॉकेट बनी बनाई रखनी है और इस पर पहले ही एक कुटका लगा देना है ताकि हमें सिलाई लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और जैसे ही नीचे 6 इंची पर कुटका है, इस कुटके पर पॉकेट लगा कर कुटका लगा देना है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड का पल्ला जो होता है, उस पल्ले पर भी नीचे से ऊपर की तरफ पॉकेट का मुंह रखना है और सिलाई लगा देनी है। जैसे हमने पिछले पल्ले पर रखा था, इसी तरीके से इस पल्ले पर भी पॉकेट को रखकर कुटका लगा देना है और कुटके को सटाकर सिलाई लगानी है। कुटके से बिल्कुल अड़ाकर सिलाई लगानी है। इसी तरीके से ऊपर 6 इंची का मुंह है, 6 इंची तक इसी तरीके से निशान लगाना है। और ध्यान रहे, जो हमारे पॉकेट की थैली होती है उसका जो निचला हिस्सा होता है, चौड़ा हिस्सा, वो नीचे की तरफ लटका कर रखना है और जो ऊपर का हिस्सा है उसे उसमें थोड़ा गैप कम रखना है। अब इसको इस तरीके से पलटना है ताकि हमारा जो डेढ़ पैर की सिलाई आसानी से आ जाए। ये हमारे पास डेढ़ पैर की सिलाई आ जाएगी तो हमारा जो पॉकेट का मुँह है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ध्यान रहे, ये जो मुँह है ये बिल्कुल इकसार होना चाहिए, नेड़ा या चौड़ा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरी साइड के पल्ले पर भी सिलाई लगानी है। जब हमारे पास ये सिलाई लगकर तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें एक नए तरीके से चैन अटैच करेंगे, जो बहुत ही आसान तरीके से चैन में ना तो झोल आएगा और ना ही चैन खिंचेगी। तो बहुत ही आसान तरीके से चैन लगानी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम यहाँ से चैन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम उल्टे पैर के पल्ले पर चैन लगाएंगे और उल्टे पैर के पल्ले पर चैन लगाने के लिए ऊपर का हिस्सा जो है, चैन का जो लॉक है वो ऊपर की तरफ रखेंगे और चैन को उल्टी रखेंगे। और ध्यान रहे, जो हमने सिलाई लगाई है, इस सिलाई के अंदर अंदर ही दूसरी सिलाई आनी है। जो सिलाई अब हम लगा रहे हैं वो बाहर की साइड नहीं आनी चाहिए। अगर बाहर की साइड आएगी तो वो हमारी जो चैन है उसमें जो है, जो हमने सिलाई लगाई है उसमें सिलाई चमकेगी। तो यहाँ से टाँकी लगा दी है और इस चैन को यहाँ से बंद कर देनी है। अब यहाँ पर नीचे लाने के बाद भी इसमें टाँकी लगानी है और नीचे की तरफ फिर इसको बंद कर देनी है। इस तरीके से उल्टे पैर का जो पल्ला होता है वो तैयार हो जाएगा। अब हमें सीधे पैर का पल्ला तैयार करना है। तो ये जो हमारे पास पॉकेट है, इस पॉकेट का जो निचला हिस्सा है चौड़ा, वो नीचे रहेगा और जो चैन है वो उल्टी रखेंगे और लॉक का मुँह ऊपर की तरफ रखेंगे और सिलाई के बराबर में ही सिलाई लगा देंगे। सिलाई के अंदर ही सिलाई आनी चाहिए। और इसी तरीके से जो हमारे पास एक्स्ट्रा चैन है इसे काट देंगे, जिस तरीके से हमने उल्टे पैर के पल्ले पर सिलाई लगाई है उसी तरीके से हमें सीधे पल्ले पर भी सिलाई लगानी है और टाँके लगानी है। आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।